दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो लेक्चर का एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी का, उसमें बायोलॉजी का ये पेपर मैं लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें मेरे पास जो सेट है वो ए है, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन के आंसर इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड से इनमें से कौन सा रिलेटेड है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है मिसोजोइक पीरियड। दूसरा सही उत्तर हो गया इसका मिसोजोइक बी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस जो लिंक होता है वो होता है एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था, द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स लिव्ड इन, यानी कि जो पूर्वज थे जो आधुनिक घोड़ा हम देखते हैं, तो उसके पूर्वज कहाँ रहते थे? वो रहते थे अमेरिका में। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लायन इज फाउंड इन, तो लायन कहाँ पाया जाता है? लायन इज फाउंड इन ओरिएंटल एंड यूथोपियन रीजन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ये था डार्विन का। बी इज द राइट आंसर। एज ऑफ नो लाइफ लाइफ अजॉइक हो जाएगा। Who wrote the book Origin of Species? तो फिर से यहाँ पे होते हैं हमारे डार्विन। The study of animal behavior is, तो animal behavior की study की जाती है ethology में। ये right answer है। ऐसे ही अगला question था, in Latin fossils means, तो fossil का मतलब होता है जीवाश्म का, मतलब होता है लैटिन भाषा में to dig यानी खुदाई करना। ठीक है, ये आंसर काफी इजी था दोस्तों, इसको तो आपने वैसे ही कर लिया होगा। अगला प्रश्न भी इसी तरह का इजी क्वेश्चन था, डायब्रिड जेनेटिक क्रॉस involves which of the following? तो डायब्रिड क्रॉस जो इन्वॉल्व होता है वो लॉ था थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के तीन रूल्स थे उनमें से थर्ड वन डोमिनेंस फर्स्ट था, सेकंड सेग्रीगेशन, और डायब्रिड क्रॉस जो पाया जाता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पाया जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट जो था वो है स्किन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्बियानी रिंग्स अकरिंग, तो बल्बियानी रिंग्स जो पाई जाती हैं वो पॉलीटिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, तो डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर कंबाइनिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर इन ए सिंगल प्लांट। तो जब भी यहाँ पे ग्राफ्टिंग की जाती है तो वहां पे एक चीज की जाती है, तो सही उत्तर है यहाँ पे ग्राफ्टिंग। ठीक है, जब दो प्लांट को एक प्लांट में कन्वर्ट करना होता है अलग अलग उनके ट्रेड्स से, उनके गुणों को जो हम चाहते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग करेक्टर्स को अगर हम चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर है या कहें कि आंसर की मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम से। आप केवल बायोलॉजी से इसको रिलेट कर सकते हैं जो हर प्रकार के एग्जाम है। ठीक है, लेक्चर का भले ही एग्जाम है लेकिन आप इसे एलटी से भी जो है बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो साइंस के क्वेश्चन निकल के आएंगे वो इसमें से भी निकल के आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कैरोटीनॉइड्स आर नोन एज, तो इनको कहा जाता है क्रोमो प्रोटीन। सही उत्तर है 14 का सी। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन था, द मेथड ऑफ डिटरमाइन द होमोजाइगोसिटी एंड हेटरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। होमो और हेटरो की जब हम बात करते हैं तो वो होता है टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, अगला प्रश्न था दोस्तों, अनदर नेम फॉर लाइगेज, तो लाइगेज का जो अनदर नेम है वो है जॉइनिंग एंजाइम, क्योंकि जोड़ने का काम करता है, तो ये सही उत्तर था। सेंट्रोमियर इज ए कंस्टिट्यूएंट, तो सेंट्रोमियर सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका सी, जो क्रोमोसोम का ही ये पार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज ऑफ मेम्ब्रेन मेनली, सॉरी, तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई होती है? वो बनी होती है आपकी, तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे मुझे दोस्तों। बिल्कुल, इसका सही उत्तर लिपिड और प्रोटीन, तो ये भी यहाँ पर सही है। When a diploid cell is treated with colchicine, it becomes colchicine के किसी diploid cell को sorry sir, when a diploid cell is treated with colchicine, जब colchicine से उसे ट्रीट किया जाएगा तो वो बनाता है दोस्तों टेट्राप्लॉइड। ठीक है, चार उसमें पड़ जाता है तो टेट्राप्लॉइड। मेनली कैल जो इसका कैल्सिन फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड किया जाता है इसे। Which of the following amino acid disturbs an alpha helix? ठीक है, alpha helix को, ये थोड़ा tricky था, बाकी तो basic question सारे हैं, कुछ एकाध इसमें tricky थे, तो इसका सही उत्तर है proline। ठीक है, ये alpha helix को
डिस्ट्रॉय करता है. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट सब्सटेंट कंसंट्रेशन, उसके विपरीत अगर हम प्लॉट करें एंजाइम एक्टिविटी को किसी सब्सटेंट के सांद्रण के लिए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे 21 का फर्स्ट हाइपरबोलिक कर्व. दिस इज द राइट आंसर. ऐसे अगला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, निम्न से कौन सा करेक्ट था. तो लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रो बैक्टीरिया इन दिस इन देयर रूट्स, तो 22 में का बी सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि लेग्यूम्स में वो तभी कन्वर्ट कर पाते हैं जो उनके बैक्टीरिया पाए जाते हैं लेग्यूम की जड़ों में, जैसे इसका एग्जाम्पल था मटर का पौधा, ठीक है, उनमें एक छोटी छोटी गांठें पाए जाती है दोस्तों, तो उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोम बैक्टीरिया इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है. अगला प्रश्न हम देखते हैं, मशरूम कल्टिवेशन का जो होता है, तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे इसको वैसे भी लगा सकते थे कि सबसे पहले क्या होगा कि जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है ना, कंपोस्ट किया जाता है, फिर स्पॉनिंग होती है, फिर केसिंग होती है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, तो दिस इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न, जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ, तो लार्ज अमाउंट किसकी होगी, ये एक क्वेश्चन था, इसके दो तरह के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, दूसरा क्वेश्चन पे भी आ जाएगा, तो उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और ये बीटा कैरोटीन ज्यादा है तो अल्टीमेटली विटामिन ए का रिसोर्स बन जाता है गोल्डन राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीन विद द प्लाज्मिक फैक्टर बिकम पॉसिबल विद, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आप चीन को बना चाहते हैं प्लाज्मिक फैक्टर के साथ, तो उसके क्या आप कौन से एंजाइम उसको यूज करेंगे, तो वो होता है डीएनए लाइगेज जोड़ने के लिए ना उसे, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे, जोड़ने ज्वाइनिंग एंजाइम भी डीएनए लाइगेज को बोला जाता है, तो ज्वाइनिंग की बात तो यहाँ पर हो रही थी, लिंकिंग करने की बात हो रही थी, तो ये जिन्होंने पहला सही किया होगा उसका दूसरा भी यहाँ पर अल्टीमेटली सही उसने कर लिया होगा, ठीक है. अगला प्रश्न था, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज रीडिफाइंड मेथड ऑफ, तो प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड किसकी है, वो है वेजिटेशन जो प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक संवर्धन की बात करते हैं, ठीक है, कायिक जनन की जब हम बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू कल्चर उसका एक उपनाम भी है, ठीक है. द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, तो वो होता है इंसुलिन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट था द टर्म जीन, तो दिया था जॉनसन ने, ठीक है. ऐसे अगला था, ऑर्गेनिक फार्मर फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ, तो ये सभी इसमें यूज किया जाता है, ग्रीन मैन्योर, बायोफर्टिलाइजर और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, तो सभी इसमें यूज किए जाते हैं, ये सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है. बीटी कॉटन का फुल फॉर्म था बैसिलस थुरनजेनेसिस, ये भी आपने सही किया होगा उम्मीद है. और अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ये उसका हिंदी में दिया गया है. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय, तो सेपरेट किए जाते हैं डीएनए हेलिकेज के द्वारा, ठीक है, 31 का 37 सी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली अम्बल इन्फ्लुएंसेंस, तो अम्बल इन्फ्लुएंसेंस एपीएसी में पाया जाता है. द करैक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली एस्टेसी का सिर्फ सेला होता है. व्हाट इज लेस्टर इन्फ्लुएंसेंस, तो व्हाट इज लेस्टर इन्फ्लुएंसेंस जो पाया जाता है इन सभी में पाया जाता है, ठीक है, लैमियम साल्विया और ऑसिम, ठीक है. फीदरी स्टिग्मा पाया जाता है वीट में. लार्जेस्ट फैमिली अमंग द डाइक्लोडियंस प्लांट्स, तो डाइक्लोडियंस में होती है एस्टेरेसी, ठीक है, यही इसका सही उत्तर है. कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन द कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में पाया जाता है. कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे दे रखा है बी और सी, लेकिन यह केवल पोरीफेरा में ही पाया जाता है, ये सही उत्तर है. सिलोना सिलेंटा इज कॉमनली नोन एज बोरिंग स्पंज, बोरिंग स्पंज भी सिखा जाता है. बुक लंग्स आर फाउंड इन, तो बुक लंग्स मिलते हैं दोस्तों स्कॉर्पियन में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लाइफ अकर्स, तो सोशल लाइफ आइसोप्टेरा और हिम्नोप्टेरा दोनों में मिलती है, सी इसका सही उत्तर है. एसके हेलमेंथीज आर, तो एसके हेलमेंथीज जो होते हैं वो होते हैं आपके स्यूडो सिलोमेट, ठीक है, इनमें जो सिलोम पाया जाती है वो प्योर सिलोम नहीं होती, वो इट्स जस्ट अ फेक या कहें कि लुक लाइक सिलोम, ठीक है, इसलिए इसको बोला था स्यूडो सिलोमेट्स. द एग्जांपल ऑफ जिम्नोफियोना इज इक्थियोफिस, ये सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर ऑफ 42. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को लगे तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने हैं अभी.
स्पॉन्जिला इज फाउंड इन, तो स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फंगल सेल्वार इज काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्गी विच डू नॉट रिसेम्बल विद आइदर ब्लू ग्रीन एल और ग्रीन एल्गी बट हैव सम कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी से भी नहीं मिलता और ग्रीन एल्गी से मिलता लेकिन कुछ कैरेक्टर दोनों दिखाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोक्लोरोफाइटा। द स्पोरोजोन्स आर एक्सक्लूसिवली, तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी मांसाहारी में जो जुड़ेंगे तो हाइनिया, डॉग और जैकॉल, ठीक है, ये तीनों ही मांस को खाते हैं, तो ये राइट इज द दिस इज द राइट आंसर। इफ हेड ऑफ ए स्नेक इज कवर्ड विद सील्स नॉट स्केल एंड स्केल्स में नहीं होंगे लेकिन वेंटर साइड कवर एंटायर बेली देन स्नेक विल बी क्या होगा, वो पॉइजनस होता है, बी इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ प्लांट जो फॉसिल होगी वो तो फाइटो पैलिंटोलॉजी, कभी कभी पैलिंटोलॉजी भी अगर दिया जाता है वो भी सही उत्तर होगा। जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जाइलम जिम्नोस्पर्म के जाइलम की अगर बात करें तो उनमें वेसल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्ट स्टेज व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, द रियल फोर्स लीडिंग टू एंट्री ऑफ वाटर इन टू सेल फ्रॉम अदर सेल, तो वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डीपीडी, ये सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अ स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द टॉप ऑफ स्पर्म, वो होता है एक्रोसोम, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अगला है, डिस्टल नॉन वैस्कुलर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, तो डिस्टल नॉन वैस्कुलर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो की बात करें तो वो होता है 55 का ए, एरवा ओपुका विटिलियन, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमनियोटिक एनिमल्स, ठीक है, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, तो ये तीनों ही करते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी। डेसिडुआ पेरेंटल्स एंड डेसिडुआ बेसिलस आर फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ, तो ये किसके एम्ब्रियो में मिलते हैं, ये मैमल्स के एम्ब्रियो में मिलते हैं, ठीक है। इन चिक एम्ब्रियो एपिफिसिस सेरेब्री अपीयर्स, तो एपिफिसिस सेरेब्री जो मिलती है वो मिलती है आपको 52-55 आवर्स। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजर कहेंगे तो पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, ये सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड बायोजेनिक लो, तो बायोजेनिक लॉ की बात करेंगे तो वो होता है रिकैपिटुलेशन, दिस इज द राइट आंसर। इन पॉन्ड इकोसिस्टम द शेप ऑफ पिरामिड, वो होता है उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है, इनवर्टेड होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फ्रॉग्स होंगी। इन एन इकोसिस्टम ईच ट्रॉफिक लेवल हैज लेस अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड्स को क्यों, हर लेवल के पास एक से दूसरे को कम एनर्जी मिलती है, वो इसलिए मिलती है कि क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। द प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द लॉस एंजल्स टाइप स्मोग, तो ये होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ए कंपोनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन द एटमोस्फियर, तो ये होते हैं दोनों, बोथ डस्ट और एरोसोल दोनों मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक फैक्टर है इसमें, तो वो है ऑल ऑफ दी, सभी हैं, इन ब्रीडिंग, रिडक्शन इन एनिमल साइज, डिक्रीज इन हेटरोजेनिटी, तो सभी हो जाएंगे। तो टर्म इकोसिस्टम टर्म दिया था आपका टेंसले ने 1935, ये बहुत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा अगली बार के लिए भी। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड, सभी गैसेज मोदी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ब्रीडिंग क्रॉप्स फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वार्टरली इज डिफरेंट, ठीक है, ब्रीडिंग क्रॉप्स को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन की क्वालिटी को बढ़ाना, ये कहला जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 30 प्रश्न और बच गए, 30 प्रश्न और बचे हैं।
A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries is, ठीक है, developing country में night blindness को बनाने का, तो ये question उससे related था, ये है golden rice, क्योंकि इसमें vitamin A की प्रचुर मात्रा होती है और night blindness को ये control करता है. Dimethyl sulfoxide DMSO is used as, तो DMSO को आप use करते हैं क्रायोप्रोटेक्टेंट के रूप में, ठीक है. अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अ पैथोजन बाय अप्लाइंग अ प्रेडेटर इज नोन एज, ठीक है, एक अप्लाई करने के लिए प्रेडेटर के रूप में तो आप करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल को, ठीक है, जब केवल प्रे ही उसको यूज करता है, मतलब कोई पेस्टिसाइड आप यूज नहीं करते हैं, दूसरा इंसेक्ट कहें या दूसरा जानवर ही यूज करेंगे किसी अन्य जानवर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल. पेब्रिन इज ए डिजीज ऑफ, तो पेब्रिन जो डिजीज होती है वो होती है सिल्क वॉर्म की. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टाइज इन एन एसिटिल कोलेस्टिन इनहिबिटर, तो ये इनहिबिटर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये है बी मेलाथियोन, ठीक है. फाइबर ऑफ ग्रेट कॉमर्शियल इंपोर्टेंस डेरिव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस से जो निकलता है वो निकलता है कॉटन. द मेडिसिनली मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रोफिलस सर्पेंटिना, ठीक है, जो अश्वगंधा का इंपोर्टेंट है वो है रूट. एट्रोपिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम बेलाटोना. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रेजिन पिंबर एंड पर्प, ये होता है पाइनस, ठीक है, ये सही उत्तर है. द चाइकोरी पाउडर विच इज मिक्सड विद कॉफी पाउडर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो ये मिलता है दोस्तों रूट्स से, ठीक है, जड़ों से मिलता है. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड इन, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है आपका पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, ए इज द राइट आंसर. पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय, तो पेप्सिन मिलता है जाइमोजेन सेल्स ऑफ स्टोमेक, बी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है वो होती है एरोटा, ए इज द राइट आंसर, या aorta. मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकरिंग, तो ज्यादा से ज्यादा जो फैट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में ही हमारा अधिकतर डाइजेशन होता है. राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू का एक अदर नेम है. सोडियम आयन्स आर पम्प्ड फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इन द नर्व सेल की बात कर रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, तो ये प्रोसेस कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स एक्युमुलेटेड इन द गार्ड सेल्स टाइम स्टोमेटल ओपनिंग के समय जो पोटेशियम आयन उसमें भर जाता है, तो सी इज द राइट आंसर. साइटोक्रोम्स हेल्प इन, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है साइटोक्रोम. पैनक्रियाटिक जोन्स वर्किंग, तो ये वर्क करता है एल्कलाइन जो मीडियम होगा क्षारीय माध्यम में, ये वर्क करता है. इन पीसीआर डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड टू व्हिच एंड ऑफ द प्राइमर, तो ये करता है थर्ड एंड से, ठीक है, ए से. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑब्जर्विंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि मोटिलिटी, फैगोसिस्टिक एंड सबसेलुलर एनाटॉमी विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेनिंग के यूज करते हैं आप, तो उसे कहते हैं फेस कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, बी इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न था, क्वाड्रेट इज यूज्ड इन एस्टिमेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी. द यूकेरियोटिक राइबोसोम एटीएस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू सबयूनिट, यदि 40 और 60. टीआई प्लाज्मिड यूज्ड टू फॉर मेकिंग ट्रांजेसिंग प्लांट, तो ये मिलता है एग्रोबैक्टीरियम में. पेप्टाइड लिंकेज होता है CONH. अगला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्रोटीन, तो ये होती है SGS पेज, ठीक है, 96 का बी. मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू एसाइलेशन इन्वॉल्व्स अटैचमेंट ऑफ, तो इसमें जो अटैचमेंट होता है वो होता है आपका लिपिड साइड चेन का. अगला प्रश्न, इन कैलकुलेशन of arithmetic mean if all atoms do not have the same degree of importance, ठीक है, same degree नहीं importance की, तो आप उसे कैसे
करेंगे आप करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन करेंगे, बी इज द राइट आंसर। इफ ए बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स ओनली वन वेरिएबल, केवल एक डायग्राम जब एक ही वेरिएबल दिखा रहा है तो वो हो जाएगा सिंपल बार डायग्राम, डी इज द राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गामा डायवर्सिटी, तो गामा डायवर्सिटी टू डायवर्सिटी ऑफ एंड आइसलैंड और लैंडस्केप। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न इसमें आए थे और स्क्रीनिंग परीक्षा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छी गई होगी और आप लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए भी जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे। जो लोग अभी तैयारी भी करना चाह रहे हैं लेक्चर के आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वो भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इसमें से देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक उनको कठिन लगते हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। तो इस मेनली आपने आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बेसिक बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है, डीप नॉलेज इसमें देखा जा रहा है, तो आपको हर एक टॉपिक को काफी अच्छे से कवर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और ये एग्जाम कोई ऐसा नहीं है आपको केवल ट्वेल्थ लेवल तक की पढ़ाई करनी है, इलेवन और ट्वेल्थ की अगर आप बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।